दोस्तों, अगर आपने किसी कंपनी की नई फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2023 की अकाउंट्स मेंटेन करना स्टार्ट कर दी है और आप पहली बार ही अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो किसी कंपनी की एज ए प्रैक्टिकल रूप में, तो आपके पास कोई प्रैक्टिकल अकाउंट मेंटेन करने का इससे पहले कोई ज्यादा एक्सपीरियंस है नहीं, तो आपको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भी आपने अप्रैल 2023 के अंदर उस कंपनी में अकाउंट से रिलेटेड जितना भी आपने काम किया है तो उस काम की रिपोर्ट हमें नेक्स्ट मंथ यानी कि मई 2023 के अंदर ऑनलाइन पोर्टल पर करनी पड़ेगी। तो अगर आपको नहीं पता भी हमने इस अप्रैल मंथ के अंदर जो जितना वर्क हमने किया है उसको किस तरीके से हमें ऑनलाइन पोर्टल पर इसकी रिपोर्ट करनी पड़ेगी और कौन कौन सी करनी पड़ेगी, तो इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप सारी बातें प्रैक्टिकल तरीके से बताएंगे भी आपको जीएसटी से रिलेटेड क्या काम करना पड़ेगा नेक्स्ट मंथ में, अप्रैल मंथ की अकाउंटिंग से रिलेटेड और इनकम टैक्स से रिलेटेड क्या कुछ रहने वाला है। तो ये वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो पहली बार किसी कंपनी के अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं या फिर किसी सीनियर अकाउंटेंट के अंडर में वो काम सीख रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन सुथार और स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पे। तो वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन भी है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर हिट कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको आगे भी इसी टाइप की नॉलेजेबल वीडियो लगातार मिलती रहेगी। और आज की वीडियो पसंद आई तो ज्यादा से ज्यादा अपने नए दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जिन्होंने पहली बार अकाउंट्स मेंटेन करना स्टार्ट किए है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक भी करना। तो दोस्तों, आपको टैक्सेशन से रिलेटेड यानी कि जीएसटी से रिलेटेड मई मंथ के अंदर क्या काम रहेगा अप्रैल मंथ से रिलेटेड, तो दोस्तों सबसे पहला आपका काम रहेगा जीएसटीआर 1 को फाइल करना। अगर आप ऐसी कंपनी के अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो जिसके पास जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर है और वो रेगुलर स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड है, तो अब उसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, 1 मई से लेके 11 मई तक आपको जीएसटीआर 1 ना जो तैयार करके चाहे आपका टैक्स प्रोफेशनल एडवोकेट या सीए जो भी है उसको आपको सेंड करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको प्रॉपर डाटा आपका टैली के अंदर सही रहना चाहिए। अब जीएसटीआर 1 टैली सॉफ्टवेयर से हम किस प्रकार से प्रिपेयर करते हैं इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं, हम आगे इस नए फाइनेंशियल ईयर की भी हम इसका नई सीरीज एक लेके आ रहे हैं, उसके अंदर भी आपको हम सारी डिटेल स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे भी किस तरीके से आपको अकाउंट्स मेंटेन करनी है, कौन कौन सी गलतियों से आपको बचना है, किस प्रकार से लेजर क्रिएट करनी है, वो भी हम नए सीरीज में बताएंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में हम इतना डिस्कस कर रहे हैं भी आपको अप्रैल मंथ से रिलेटेड नेक्स्ट मंथ के अंदर आपका क्या काम रहने वाला है। तो सबसे पहले आपको जीएसटीआर 1 रिपोर्ट है वो करनी पड़ेगी ऑनलाइन। कब करनी पड़ेगी, इसकी ड्यू डेट 1 मई से लेके 11 मई तक आपको ऑनलाइन पोर्टल पर इसकी रिपोर्ट करनी पड़ेगी। अगर आपकी कंपनी मंथली जीएसटीआर 1 फाइल करती है तो, अदरवाइज क्वार्टरली रिटर्न फाइल करती है जीएसटीआर 1 तो आपको 13 मई तक आईएफएफ की रिपोर्ट है जो देनी पड़ेगी। यानी कि इसके अंदर आपने जीएसटीआर 1 अगर आप पूरा देते हो तो इसके अंदर टोटल रिपोर्ट हमें देनी पड़ती है, जिसके अंदर कुछ ये हमारे पॉइंट्स रहते हैं भी आपने B2B की टोटल सेल कितनी है, आपकी B2C यानी कि बिजनेस टू कस्टमर की सेल आपकी कितनी है, आपने कोई क्रेडिट नोट या कोई डेबिट नोट रजिस्टर्ड पार्टी को या फिर अनरजिस्टर्ड पार्टी को कितने इशू किए हुए हैं, आपने टैक्स फ्री की सेल आपने कितनी करी हुई है, तो ये सारी रिपोर्ट हमें जीएसटीआर 1 का पूरा डाटा ये 9 टेबल तक करना पड़ेगा। उसके बाद में हमारी HSN समरी भी रिपोर्ट हमें देनी होती है और डॉक्यूमेंट की समरी भी हमें तैयार करके देनी पड़ती है। ये किस प्रकार से तैयार होती है, वीडियो ऑलरेडी अपलोड भी है और हम नई सीरीज के साथ भी तैयार करने वाले हैं। अगर आपकी कंपनी क्वार्टरली रिटर्न फाइल करती है तो आपको केवल आपने रजिस्टर्ड लोगों को कितना गुड्स बेचा हुआ है केवल वही रिपोर्ट आपको करनी होती है। उसके बाद बात आएगी जीएसटीआर 3 की। अब जैसे हमारा जीएसटीआर 1 का टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा उसके बाद जीएसटीआर 3 का पीरियड जो स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि इसकी रिपोर्ट हमें 12 मई से लेके और 20 मई तक हम इसकी रिपोर्ट करेंगे। अब उसके अंदर हमारे पास क्या रहने वाला है, 3B के अंदर आप सॉफ्टवेयर को खोलोगे जीएसटीआर 3B की रिपोर्ट आपको मिलेगी। इसके अंदर आपने टोटल आउटवर्ड सप्लाई कितनी करी हुई है, टैक्सेबल कितनी है और एग्जम्प्ट यानी कि टैक्स फ्री की सेल कितनी है, अगर आपके ऊपर कोई RCM एप्लीकेबल हो रहे हैं तो आपको किस तरीके से RCM का टैक्स भी डिपॉजिट करवाना पड़ेगा, और इसके साथ साथ आपको ITC रिलेटेड भी रिपोर्ट्स हैं वो भी यहाँ पर देनी पड़ेगी। यानी कि आपने लास्ट अप्रैल मंथ 2023 के अंदर कितना गुड्स आपने परचेज किया है या कोई सर्विस आपने ली है
तो उसके ऊपर आपने कितना टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया है, जिसका हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि क्लेम हमें करना है टैक्स के रूप के अंदर, तो वो हमें जीएसटीआर 3B के अंदर रिपोर्ट करनी होती है। उसके बाद में अगर हमारी टैक्स डिपॉजिट करने की लायबिलिटी बनती है जीएसटी टैक्स की, तो वो हम लास्ट डेट उसकी होती है 20 मई, यानी कि हमें जीएसटीआर 3B को फाइल करने तक या करने से पहले हमें जो हमारी जीएसटी की लायबिलिटी है वो हमें पे करनी होती है। तो वो आप इनपुट में से आउटपुट हम लेस करके देख सकते हैं। इसके ऊपर भी हम वीडियो ऑलरेडी बना चुका है और हम आगे वाली सीरीज में भी इसको बनाएंगे। और उसके साथ साथ हम जीएसटीआर 3B को फाइल करने से पहले हमें पोर्टल के ऊपर हमने जीएसटीआर 3B के अंदर कितना ITC हमने क्लेम कर रखा है और हमारा ये ऑनलाइन पोर्टल पर 2B या 2A या 2B के अंदर कितना शो कर रहा है, इसको हमें एक बार जरूर रिकंसल्ट कर लेना पड़ेगा। क्योंकि अब मान लीजिए आपके कुछ ऐसे सप्लायर भी होंगे जो आपने मंथली रिटर्न या क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते होंगे, तो हो सकता है उनका ITC आपको ना मिले क्योंकि वो 2B के अंदर शो नहीं करेगा, तो आप उसका ITC इस मंथ के अंदर लेने के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। तो वो आपको एक बार जरूर चेक कर लेना पड़ेगा भी 2B के अंदर आपका ITC कितना शो कर रहे हैं और 3B के अंदर आप रिपोर्ट जो कर रहे हो उसके अंदर आप कितना ITC जो क्लेम कर रहे हो, कितना डिफरेंस इसके अंदर आपका आ रहा है। पार्टी ने किसी कारणवश नहीं दिखाया या वो पार्टी क्वार्टरली रिटर्न फाइल करती है या पार्टी ने रिटर्न लेट फाइल करी है, जो भी रीजन रहा है तो वो आपको एक बार क्लियर जरूर करना होगा। और वो हमने डिस्कस कर ही लिया भी आपको जीएसटी की जो टैक्स डिपॉजिट की लायबिलिटी है वो 20 मई तक आपको यानी कि जीएसटीआर की 3B फाइल करने से पहले पहले आपको जमा करवाना पड़ेगा अगर आपकी लायबिलिटी बनती है तो, अदरवाइज आपको नहीं करवाना। ये तो था हमारा जीएसटी से रिलेटेड काम। और उसके बाद काम आएगा TDS का। अब मान लीजिए अगर आपकी कंपनी ने अप्रैल मंथ के अंदर कोई भी आपको इंटरेस्ट मान लीजिए आपने किसी को पे किया हो या फिर कोई कमीशन आपने पे किया हो, कोई आपने कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने कोई किया हो, तो उसके ऊपर आपकी कंपनी से अगर कोई TDS है जो डिडक्ट किया यानी कि उस कंपनी का TDS काटा है, तो उस TDS को हमें नेक्स्ट मंथ की 7 मई तक हमें इसको गवर्नमेंट को ऑनलाइन पोर्टल पे डिपॉजिट कराना पड़ेगा जितना TDS हमने डिडक्ट किया हुआ टैक्स के रूप में हमारी पार्टी का। सेक्शन कोई भी हो सकती है, कमीशन हो सकता है, कोई सैलरी के ऊपर हो सकता है, ब्रोकरेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इंटरेस्ट के रूप में हो सकता है, बहुत सारे TDS के सेक्शन है। किसी भी रूप के अंदर कोई TDS डिडक्ट किया है तो वो हमें नेक्स्ट 7 मई तक हमें जमा कराना पड़ेगा। अगर आप 7 मई के बाद जमा कराओगे तो आपके ऊपर 1 मंथ का पूरा इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। तो ये हमारे कुछ बेसिक पॉइंट थे GST से रिलेटेड और TDS यानी कि इनकम टैक्स से रिलेटेड, जो आपको मई 2023 मंथ के अंदर आपको ही करने पड़ेंगे। तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बिल्कुल सही तरीके से प्रिपेयर करनी पड़ेगी, हमें सही तरीके से लेजर क्रिएट करने पड़ेंगे, सही तरीके से हमें वाउचर ट्रांजेक्शन पास करनी पड़ेगी, अननेसेसरी लेजर को हमें GST को एप्लीकेबल नहीं रखना पड़ेगा। तो ये सारी बातें आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी आपको इन सब बातों का पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट ओपन कर लीजिए जहाँ पर आपको टेलीप्राइम की प्लेलिस्ट बन जाएगी, वहाँ पर हमने GST से रिलेटेड कौन कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी है, किस तरीके से टैक्स की कैलकुलेशन अगर नहीं हो रही है तो किस वजह से नहीं हो रही है, सारी हमने वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है। बट वो हो सकता है कुछ अलग मतलब वर्जन की हो, लेकिन अब हम फाइनेंशियल ईयर 23-24 की बिल्कुल नए सीरीज के साथ बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल की तरफ हम वीडियो की इस चैनल पर हम वीडियो अपलोड करेंगे। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को आप अपने फ्रेंड सर्किल के साथ भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि उनको भी आगे आने वाले टाइम में हेल्प मिल सके। और आज की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो ज़रूर लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करना।